देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री का क्वेश्चन नंबर थ्री ठीक है, कहते हैं ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू, सी वन अपॉन सी टू, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट। हमें क्या करना है, कंपेयर करना है जो रेशियोज हैं और फिर बताना है उसमें से कि जो लीनियर इक्वेशंस के जो पेयर हैं वो क्या है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इसके लिए आपको ये चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, इनका जो मैंने अलग से यहाँ पे लिखा है। देखिए अगर ए वन अपॉन ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू होता है उस वक्त क्या होता है, उसको कंसिस्टेंट कहते हैं, ठीक है ना, मतलब वो कंसिस्टेंट होता है, ठीक है ना। उस वक्त दूसरा अगर आपके पास इस तरह से आए तो क्या होता है, वो इनकंसिस्टेंट होता है। अगर इस तरह से आए तो क्या, कंसिस्टेंट होता है। इसके साथ साथ देखिए हमारे क्वेश्चन में सिर्फ यही चीज़ बताने के लिए, ठीक है ना, बट आपको ये सारा याद रखना है इसमें, ठीक है। अगर ऐसा हो तो कंसिस्टेंट होता है, सोल्यूशन यूनिक होता है और लाइन्स आपस में क्या होती है, इंटरसेक्ट होती हैं। यहाँ पर क्या होता है, कोई नो सोल्यूशन होता है और लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक। यहाँ पर मैनी सोल्यूशंस होते हैं और लाइंस क्या होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन जो होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर दो हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे, ए वन बी वन सी वन लेंगे एंड इधर लेंगे क्या, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे इसको ऐसे लिखें, थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस फाइव इक्वल टू ज़ीरो एंड यहाँ पे लिखेंगे टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस सेवन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ से आप देखें ए वन निकालें आप, ए वन उसी तरह से निकालें यहाँ पे बी वन और यहाँ से निकालें आप क्या सी वन, ठीक। ये किससे निकालना है, इससे, ठीक। और इसमें से क्या निकलेगा, ए टू बी टू एंड सी टू, ठीक है। पहली में से ए वन बी वन सी वन, तो थ्री टू माइनस फाइव, थ्री टू माइनस फाइव ये दूसरी है ना, ये थी फर्स्ट, ये थी कौन सी, सेकेंड। तो दूसरे में से क्या निकलेगा, टू माइनस थ्री एंड माइनस सेवन, टू माइनस थ्री एंड माइनस सेवन। तो आप देखिए ए वन अपॉन ए टू, देखिए आप थ्री अपॉन टू, आगे बी वन अपॉन बी टू, देखिए आप क्या आ रहा है, एक एक चीज़ करके लिखिए। ए वन अपॉन ए टू आपके पास कितना आ रहा है, थ्री अपॉन टू आ रहा है एंड बी वन अपॉन बी टू आपके पास कितना आ रहा है, टू अपॉन माइनस थ्री आ रहा है। तो यहाँ से आप देखिए थ्री अपॉन टू और टू अपॉन माइनस थ्री, मतलब ये पता चल रहा है कि ए वन अपान ए टू जो है वो बराबर नहीं है किसके, बी वन अपान बी टू के, क्योंकि यहाँ वैल्यूज देखें आप अलग अलग हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ बराबर नहीं है तो इसका मतलब जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस ये पेयर है जो, ये कौन सा है, कंसिस्टेंट है। क्या है ये, कंसिस्टेंट, देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, दूसरे पार्ट को भी करेंगे। आपका काम है सिर्फ क्या करना, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू निकालना और फिर उसके कंपेरिजन करना, ए वन अपॉन ए टू करना, बी वन अपॉन बी टू, अगर आप चाहो तो यहाँ सी वन अपॉन सी टू लिखे आप, लेकिन अगर पहले इनको चेक कर लें क्या, अगर ये आपस में बराबर आ रही है फिर आप सी वन सी टू पे जाएं, ठीक है ना। अगर ये पहले से बराबर नहीं आ रही तो इसका मतलब इसका आंसर है यही होगा, ठीक है ना। क्या होगा, ए वन अपॉन ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, तो क्या होता है, उसका कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो देखिए यहाँ पर जब हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन से एंड इसको करेंगे किससे, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी से करेंगे, तो हमें मिलेगा वी गेट, हम लिखेंगे ए वन कितना है टू, बी वन कितना है हमारे पास माइनस थ्री एंड सी वन कितना है हमारे पास फाइव, ठीक। उसी तरह से ए टू देखें आप कितना है टू, बी टू देखें कितना है माइनस थ्री एंड सी टू देखें आपके पास कितना है सेवन है, ठीक। तो यहाँ आप देखें ए वन अपॉन ए टू, टू अपॉन टू, ठीक है, बी वन अपॉन बी टू माइनस थ्री अपॉन माइनस थ्री एंड सी वन अपॉन सी टू फाइव अपॉन सेवन।
तो देखिए यहाँ पर 2/2 है, अगर 2/2 को करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, मतलब 2 1 2 है ना। तो देखिए यहाँ पर -3 -3 क्या हो जाएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। मतलब जिसके नीचे क्वेश्चन उसके नीचे 1 बन सकते हैं। तो क्या है, 1/1 यहाँ है, 1/1 आया, इसका मतलब जो है a1/a2 इक्वल टू है b1/b2 के। लेकिन आगे देखें 5/7, तो 5/7 इसके बराबर नहीं है ना, ये दोनों तो आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, बट ये नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये c1/c2 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए कौन सी चीज़ है, ये देखिए आप जब ऐसा है तो उस वक्त क्या होता है, इनकन्सिस्टेंट होता है, क्या होता है, देयरफॉर द पेयर इज इनकन्सिस्टेंट, ठीक है, क्या हाँ रहेगा, इनकन्सिस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब हम करेंगे इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, इसके साथ a1x + b1y + c1 and a2x + b2y + c2 सिमिलर है, ठीक है ना। तो देखिए आप यहाँ पर a1 हमारे पास कितना है, a1 हमारे पास कितना है 3/2, b1 हमारे पास कितना है 5/3 एंड c1 हमारे पास कितना है 7 है, ठीक। सिमिलरली a2 हमारे पास कितना है 9, b2 हमारे पास कितना है -10, ठीक है ना, एंड c2 हमारे पास कितना है 14 है। तो a1/a2 कितना हमारे पास 3/2 कितना है 9, b1/b2 कितना है 5/3 कितना है 10 है, एंड c1/c2 कितना हमारे पास 7/14। तो देखिए इसको, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3/2 को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 3/2 इंटू क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। तो मतलब 3 3 1 3 3 3 9, तो 1/ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, मतलब a1/a2 कितना हो जाएगा 1/6। सिमिलरली b1/b2 कितना हो जाएगा 5/3, ठीक है, इंटू 1/10। ये कैसे आ रहा है, मतलब a/b है, यहाँ c है, तो नीचे आपको 1 लगाना पड़ेगा। तो a/b/c/d किसके बराबर होता है, जैसे a/b लिखा है ना, किसके बराबर, c/d, तो ऐसे होता है ये a/b/d/c, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे आ जाता है, ठीक है, बीच में जब डिवाइड, ठीक है, मतलब ऐसे c/d, तो क्या होता है ये चीज़ होती है, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, 5 1 5 5 2 10, तो 3 2 कितना हो गया 6, मतलब 1/6 यहाँ भी आया, तो 1/6 यहाँ भी आया। तो आगे आप देखिए 7 1 7 7 2 14, तो 1/2 आया, देखिए, एंड c1/c2 हमारे पास कितना आया 1/2 आया। तो ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, देयरफॉर a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर है, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब यही दोबारा हो गया, देयरफॉर इट इज इनकन्सिस्टेंट, ठीक है ना, क्या है ये, इनकन्सिस्टेंट, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास फोर्थ पार्ट, ठीक है ना, इसमें हमने जब कंपेयर किया तो इसमें a1 हमारे पास ये निकला, b1 ये, c1 ये, उसी तरह से a2 ये निकला, b2 6 एंड c2 हमारे पास -22, ठीक है ना। अब हम a1/a2 b1/b2 c1/c2 करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप इसको a1/a2 इसको क्या किया, 5 1 5 5 2 10, तो 1/-2 आया, 3 1 3 3 2 6, तो -1/2 है, एंड c1/c2 11 1 11 11 2 कितना हो गया 22, तो 1/-2 आया, ठीक है ना। तो यहाँ आप देखें यहाँ माइनस है, इसके बाहर लगा है, यहाँ भी माइनस हमने नीचे था ना, ये तो सामने था, ये तो ठीक है ये, लेकिन ये वाला नीचे था, ये कहाँ चला गया, ऊपर। भाई प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर आपके पास माइनस नीचे हो तो वहाँ कहाँ चला जाता है, ऊपर ही चला जाता है, ठीक है ना, ऊपर वाला ये ऊपर ही है। और यहाँ पे आप देखें ये भी नीचे है, तो भाई प्रॉपर्टी कहाँ चला जाता है, ये माइनस ऊपर चला जाता है, ठीक है, या फिर रैशनलाइजेशन पर आपके पास ये माइनस कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। अगर माइनस में जैसे मैंने लिखा ना a/-b, तो ये -b कहाँ चला जाता है, माइनस ऐसे चला जाता है सामने, ठीक है ना, बाई प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस तरह से होगा ये, देखिए अब a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है। तो देखा आपने बराबर है, इसका मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंट है, क्या है ये, कंसिस्टेंट, ठीक है ना। अब बचा हमारे पास इसका लास्ट एंड फिफ्थ पार्ट। तो ये देखिए हमारे पास लास्ट है, जिसमें हमारे पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकला है, ठीक है ना। a1/a2 हमारे पास 2/3 निकला है, अगर इसको सॉल्व करेंगे b1/b2 2/3 c1/c2 2/3, तो जब आपके पास ये तीनों इक्वल हैं तो उस केस में